नमस्कार विद्यार्थीगण, आज हम हिंदी में कक्षा 10 और हिंदी में चैप्टर नंबर 10 की इसका नाम है अल्बम और उनके लेखक है उसका नाम है सुदर्शन और इसका प्रकार एक कहानी है। तो पहले चैप्टर में हम पढ़े थे कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लाला सदानंद और पंडित साधिराम जो मित्र थे अच्छे और लाला सदानंद ने थोड़े रुपए पंडित साधिराम को दिए थे और वो वापस भी दे रहे थे, लेकिन पंडित साधिराम जब भी पैसा इकट्ठा करते थे तो उनके पैसे ऐसे थोड़े खर्च में निकल जाते थे। एक बार उसका बच्चा बीमार हो गया 4 महीने तक, तो उनकी जो भाई उन्होंने जमा जो की थी वो सब उसकी जमादार में खर्च हो गई, लेकिन उनको मन ही मन में ऐसा लगता था कि मैं ये रुपये कब इकट्ठा कर पाऊंगा और कब मैं अपने मित्र लालस्तन को दे सकूंगा। और इसके बाद एक बार लालस्तन पंडित साधिराम से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि आप चिंता मत करो, जब भी पैसा हो तब दे देना। तब उन्होंने देखा कि उनके घर में एक अलमारी थी और अलमारी में कई सारी पुस्तकें थी और उसमें अच्छे अच्छे चित्र भी थे। तो लाला सदा ने पंडित साधिराम से कहा कि आप एक दो चित्र मुझे बताइए। तो उन्होंने अभी देखा और पूछा कि ये किसके हैं। तो पंडित साधिराम ने कहा कि ये मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने ये सब यहाँ पर रखा है। वो किताब पढ़ने का बहुत ही शौक था, अच्छी अच्छी किताबें वो रखते थे और किसी को हाथ मोड़ा देते थे, लेकिन अब वो नहीं है तो ये सब दूर खा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई चित्र बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने पंडित साधिराम से ऐसा कहा कि आप ये सब चित्र हैं वो सब अलग कर दीजिए, मुझको दीजिए, मैं इसका अल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से मैं विज्ञापन भी दे दूंगा। तो इस तरह ये जो विज्ञापन जो बनेगा आपकी पुस्तक कोई ले लेगा तो आपको 2-4 पैसे भी मिल जाएंगे। तो यह सब हम चैप्टर 1 में यानी 20.1 जो चैप्टर बना था उसमें हमने पढ़ लिया। अभी आगे चैप्टर नंबर 20.2 पेज नंबर 54 पर पंडित साधिराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। उसको ऐसी आशा भी नहीं थी कि ऐसा विचार आएगा और मैं ये काम करूंगा। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभागों लोगों में से थे कि जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए ही जन्म लिया है। वे सोने को हाथ लगाते तो वो मिट्टी हो जाता था, वे सीधी बात करते तो बात उल्टी हो जाती थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर उन्होंने तस्वीरें अलग कर दी। उनके मन में लगन न थी, न उनके हृदय में चाव था, न उनके सिर में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। शाम को देखा तो 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े, उनके मुख पर एक आनंद की आभा नाचने लगी। यहाँ पर एक विद्यार्थी का शब्द आता है आभा यानी कि चमक। वह सब चित्र जो उन्होंने देखे तो उनको देखकर उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई और वो नाचने लगे। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते हैं मानो कि उनमें से उनको पैसे मिलेंगे। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे मेरे भाई, वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से एकदम जोड़ने लगे, भाई ये तो विचार अच्छा है, ये मेरी जो बन जाएगी, अगर कोई ले लेगा तो उसको 2 पैसे भी मिल जाएंगे, तो वो जो पैसे मिलेंगे तो मैं लाला सदानंद को दे दूंगा। लाला सदानंद ने चित्रों को अल्बम में लगवाया और समाचार पत्र में विज्ञापन भी दे दिया। अब पंडित साधिराम हर समय डाके की प्रतीक्षा करने लगे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी, दिन बीत जाता कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे ही दिन लाला सदानंद की आशाओं में फिर पहले से झोंक आ जाता था। आशा फिर अपना चमकता चेहरा हुआ देखकर आगे बढ़ती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाकखाने भी पवाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई भी पत्र न आया। पंडित साधिराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों में एक जीवनदायिनी ऐसी हृदय हारिणी होती है। यहाँ पर एक शब्द आता है हृदय हारिणी यानी कि मन को लुभाने वाली बात।
हमको यह बात से भी अच्छा लगता है कि ये जो मेरी जो पुस्तक बनेगी अगर कोई अच्छा लगेगा किसी को तो वे ले लेगा। तो अलग अलग ऐसी आशाएं उसके मन में थी। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पहुंचने का प्रयत्न भी करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भी भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संदीप के समान मनोहर जरूर होती है। इस प्रसंग की कमी दूर न हो परंतु इससे काली माता का जादू कौन छीन सकता है। पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी, या यूं कहें कि आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य झाड़ी कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि आलम है तो अगर पसंद आ गई तो हम ले लेंगे। मूल्य की चिंता आप मत करो, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जाने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। यह किसी आदमी की करवट न थी पर यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम मोड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है तो मैं यह लौ भेजू। और पंडित शादीराम लाला सदानंद से मिलते हैं और उनको यह बात बताते हैं कि यह पत्र आया है। अब क्या कहते हैं, अपनी जो ये पुस्तक है वो भेज दू। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम के लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न थे डॉक्टर भी नहीं और वकील भी वो न थे। उनकी औषधि माला फेरने के ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने से वो कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे कि दवा से दुआ अच्छी है और ऐसा ही विचार करते थे कि इसकी दवा करें, इससे अच्छा है कि इसकी हम दुआ करें। दुआ यानी कि प्रार्थना। पेज नंबर 55 पर एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देखकर अपनी आंखों से आंसू पी रही थी। रोना आ रहा था लेकिन रो नहीं पा रही थी। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे और रूबी को श्रीमद भगवत सुना रहे थे, श्रीमद भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गई यानी कि बेहोश हो गई। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री के पास आकर वो बैठे। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज देने लगी। इन समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने नीचे कुछ छुपती हुई चीज रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सत्य चीज वही अल्बम था जिससे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीदा था। और उनको पता चलता है कि कोई सेठ का पत्र नहीं आया था, वो पत्र ऐसे आया था लेकिन वो जो पुस्तक थी वो उनके मित्र यानी कि लाला सदानंद ने ही खरीदी। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का रूप उतार दिया। मगर यह जानकर वह हृदय को चोट लगी कि रूप उतारना नहीं अपितु पहले से गुना हो गया। उन्होंने विष्णु यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह रूप मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा। उस देर बाद लाला सदानंद को होश आ गया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। उनको पता न चले यानी वो ऐसा झूठ बोलते हैं कि वो सेठ के पास से मैंने मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन अधिक उपकारी और उचार समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे और इस तरह वो अच्छे हो जाएं इसलिए पंडित शादीराम के लिए माला फेरने लगते हैं और लाला सदानंद की तबीयत धीरे धीरे अच्छी होने लगती है।